डिजाइन एक्ट हो गया। नौ प्लांट्स, प्लांट वैरायटीज, कोई प्लांट में फाइंड आउट करा वो मैं आयुर्वेदा के लिए मेडिकल यूज में काम में आ रहा, तो वो प्लांट के ऊपर और मैं ले आके रजिस्टर्ड भी कर दिया वो, तो प्लांट की से रिलेटेड जो भी कुछ करेंगे तो वो मेरी प्रॉपर्टी रहेंगी, मतलब वैसा प्लांट वैरायटीज, वो प्लांट मैं ढूंढ के निकाला समझो, जैसे कि कोई डायबिटीज डायबिटिक का ट्रीटमेंट ले लेके आ गया समझो, कोई प्लांट से ये प्लांट करे तो वो राहुल के जाके रजिस्टर्ड करा लिया समझो, तो अब वो जो मेडिसिन रहेगा उसके नाम पे रहेगा, उस वो प्लांट से रिलेटेड जो भी रहेंगे तो उसको पे करना पड़ेगा अगर उसको यूज कर रहे तो वो किसके डायबिटीज के लिए, तो ये वो तो वैसा निकाला ठीक है, प्लांट वैरायटीज हो गया ना। सी सी से कॉपीराइट, कॉपीराइट एक्ट, ये तो बहुत सुने होंगे कॉपीराइट, कॉपीराइट एक्ट, ये कॉपीराइट एक्ट क्या है बोले तो नाइन कॉपीराइट एक्ट कुछ भी कॉपी कर रहे हैं समझो, जैसे कि मैं सॉन्ग लिखा, आर्टिस्ट हूं मैं, आर्टिस्ट हूं, जैसे कि कोई ड्रामा कोई पिक्चर बना दिया, वो पिक्चर की सेम हूबहू कॉपी बना के फिर तुम भी बना रहे, वैसा नहीं, सॉन्ग आर्टिस्ट या फिर कुछ भी भाई गाने मैक्सिमम उसमें फिल्म इंडस्ट्री में यूज होता, मूवीज ड्रामा कोई बुक स्टोरी बुक जैसे मतलब नॉवल, ऐसी चीजें हमें डाल देने के बाद में कॉपीराइट, वो उस कॉपी करने का हक सिर्फ मेरे से पूछ के लेना, मेरे को बिना बोले के उसको कॉपी नहीं कर सकती, तो वही है समझो कॉपीराइट एक्ट। तो कॉपीराइट एक्ट कब आया था, ये 1957 में आया था, 1957 कॉपीराइट एक्ट 1957 में आया था, ये किससे रिलेटेड है ये क्या लिटरेचर, लिटरेचर में है और मूवीज में है, मतलब रिलेटेड टू दैट कॉपीराइट एक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में ये डाल दो, सॉन्ग आर्टिस्ट मूवीज ड्रामा वगैरह डाल दो, देन उतना ही मेरे को तो याद आ रहा है कॉपीराइट एक्ट के बारे में, 1957 इसके बारे में ये है, ये थोड़ा डिटेल डाल दो। नाउ नेक्स्ट टी से ट्रेडमार्क, अब ट्रेडमार्क क्या है, अब तक तो ये समझ में आ गए पूरे, हेलो हेलो, ये प्लांट मेडिसिन, ये प्लांट वेराइटीज मतलब मेडिसिन में यूज होते सब, मेडिसिन मेडिसिनल पर्पस पे ठीक है। खैर ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क मतलब जैसे कि वो कौन सा इनोवा है, वो इनोवा का जैसे ये उल्टा हुआ, ये देखो नहीं इनोवा का नहीं कौन सा चीज है भाई, एक गाड़ियों का एक ऐसा एक है टोयोटा, नहीं टोयोटा का वो नहीं है, और एक कौन सी कंपनी गाड़ी का ये एक निशान है, तो ये क्या है मार्क हो गया, जैसे कि एक 501 साबुन मिलके एक आता था छोटे रहने 501, ये क्या है नंबर है और शेप है समझो कौन सा, लिटिल हट, लिटिल हट बिस्किट देखे, लिटिल हट बिस्किट, अब बिस्किट के ऊपर थोड़ी शुगर भी रहती, वो शक्कर भी रहती, तो वो शुगर है वैसा शेप में शुगर डाल के एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकते, तो ये क्या है ये मार्क्स है, नंबर्स, मार्क्स कैसा देते हैं ट्रेडमार्क, कैसा ब्रांड भी रहता कौन सा, को ये ब्रांड का है बल्कि, अब जैसे गोदरेज ब्रांड का है, वो गोदरेज नाम आ गया, नाम आने से क्या होता बोले तो फिक्स्ड नाम लेबल, अब जैसा बावर्ची देख लो, एक बावर्ची, बावर्ची होटल है, बावर्ची होटल एक्चुअल बावर्ची होटल मुशीराबाद क्रॉस रोड पे जहां अपना है, सेंटर है वहां पे करीब में है, वो बावर्ची होटल एक्चुअली बावर्ची होटल है फेमस, लेकिन ये बावर्ची होटल के आज हर जगह गए तो बावर्ची होटल, बावर्ची होटल वो क्या है मालूम, ग्रीन बावर्ची, या तो बावर्ची की स्पेलिंग BAWARCH है ना, तो कोई क्या करता है वी कर देते बावर्ची, न्यू बावर्ची, एयरपोर्ट बावर्ची, फलाना बावर्ची, बिस्ताना बावर्ची, तो ये नाम के आगे दूसरे नाम लगा देते, लगा के इसको कोई अगर इन्हें बावर्ची वाला बोला भी समझो कि अरे मैं कॉपी कर रहा हूँ बोले तो ये नाम से ये ग्रीन बावर्ची है तुम्हारा बोल के वैसे रहता, तो बावर्ची वाला क्या बार बार बोलता कि वी डू नॉट हैव एनी ब्रांचेस, वी डोंट हैव एनी ब्रांचेस बोल के बोलता, तो क्यों बोलता बोलता उसका सिग्नल डालने सिंबल डालने के वास्ते बोलता, तो क्या हो गया कॉपीराइट एक्ट 1957, नाउ ट्रेडमार्क एक्ट 1999,
ट्रेडमार्क एक्ट 1999, तीन है 1999 के, एक एक दो है, दो है सॉरी ये दो है, एक दो, ये 2000 का खरीद का डिजाइन एक्ट है। तो बस ये एक देख लीजिए, पीजी डीपी सीटी, ये इतने टाइप्स के एक्ट्स है रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन।